अना और खुददारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंसान जितना छोटा होता है उतना ही अनापरस्त होता है, जबकि जिसमें जितनी खुददारी होती है वो उतना ही अजीम होता है। अनापरस्त का मकसूद सिर्फ अपनी ज़ात होती है, वो अपनी ही ज़ात के गिर्द एक हिसार बना लेता है, वो अपनी ज़ात में गैर महफूज होता है। इसीलिए अपने ज़ात के इस अदम तहफ़्फ़ुज़ को खुदपसंदी और अना के गैर फितरती एहसास में छुपाने की कोशिश करता है। अना की कैद उसे अदल और गैरत जैसे औसाफ छीन लेती है। अना परस्त हमेशा दूसरों से कंपटीशन में लगा रहता है और कभी खुद अपनी ज़ात को इस काबिल नहीं समझता जिससे वो मुकाबला करके उसमें निखार ला सके। जबकि एक खुददार शख्स गैरत और अदल के औसाफ से मालामाल होता है, वो अपनी काबिलियत और अपनी कमियों का खुद इदराक करता है। उसकी ज़ात ही उसके लिए कंपटीशन का मैदान होती है, उसके अमल में अदल व इंसाफ होता है, ना कि दूसरों के अमल का बुग़्ज़ या किसी पसंद नापसंद की बुनियाद पे बेअदली। सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्ला वजहों का कौल है कि जो जितना गैरतमंद होगा उतना ही पाकदामन होगा। पाकदामनी खुददारी की देन होती है। अना धोखा जबकि खुददारी मर्दाने आज़ाद की सिफत है। अना ढिटाई हर धर्मी और जुल्म को जन्म देती है, जबकि खुददारी सबर पाकदामनी शराफत को जन्म देती है। अना ने अजाजील को इबलीस और लईन बना दिया, जबकि खुददारी आदम को खिलाफत अर्दी पे सरफराज करवा देती है। अना अबू जहल, अबू लहब और उससे पहले निमरूद व हामान व फिरौन को ले डूबती है, जबकि खुददारी 313 को हज़ारों के सामने फतह याब करती है। बकौले इकबाल, खुदी का सिर्रे निहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह।